हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसपी की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, एडवर्टाइजमेंट थर्ड ऑफ 2022 के बारे में। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा जो कि एक्सपेक्टेड सिलेबस रहेगा आपका। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जेके एसएसपी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जो निकाली गई थी, नोटिफिकेशन नंबर थर्ड ऑफ 2022। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो 2022 की तीसरी नोटिफिकेशन निकाली गई है, इसमें आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1400 पोस्टें, यानी कि 1400 जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा 1395 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। सारी की सारी पोस्टें आपको पंचायत सेक्रेटरी की देखने को मिलेगी। इसमें पोस्ट को डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं 1395 जो पोस्टें हैं वो बताई गई हैं। अब जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, और नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट मंथ से आपके जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक मंथ का टाइम रहेगा आपके लिए। अब सेकेंडली बात करेंगे जहाँ पे सिलेबस के बारे में, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। एक्सपेक्टेड सिलेबस बताऊँगा जहाँ पर मैं आपको, सबसे पहले आपने जेके एसएसपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, एक वहाँ पर एक कंपोनेंट रहता है आपका जनरल इंग्लिश का, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश की अगर कंपोनेंट की बात करें तो हर एक एग्ज़ाम में आपको ये कंपोनेंट आएगा सीधा सा। इसमें लॉजिक लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, सीधा आपको पता है कि इंग्लिश का एक कंपोनेंट आपका वहाँ पे आएगा, चाहे वो आपका 10 मार्क्स का हो या 15 मार्क्स का हो या 20 मार्क्स का हो। उसके सेकंडली अगर बात करें तो जेके एसएसपी अपने एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो जहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो जीके उसको हमेशा से वो जोड़ती है, चाहे वो जीके हो चाहे वो ज्योग्राफी हो, ठीक है। तो उस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके की जीके आ गई, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स आ गए, उसमें दो चीज़ें। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे जेके एसएसपी अपने हर एक एग्ज़ाम में आपको एक कंपोनेंट साथ में जोड़ते दिख रही है, दैट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस भी एक जो है कंपोनेंट साथ में रहता है। और फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस जो है आपके हर सिलेबस हर एक पोस्ट में आपको देखने को मिलता है। तो उसमें आज मैं आपको वो सिलेबस के बारे में, उस सिलेबस के बारे में बताऊंगा जो कि जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हुए हैं उसमें वो सिलेबस जो है पूरा का पूरा, उसमें चेंजिंग जो है उसमें थोड़ी सी मिनिमम अगर हम बात करें 2 से लेकर 5% तक चेंजेस हो सकती है, बाकी सेम सिलेबस है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका एग्जाम जो रहेगा जी 120 मार्क्स का रहेगा, 120 मार्क्स। और सारा का सारा क्राइटेरिया आपने देख लिया, जो भी जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन जहाँ पे होनी चाहिए आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करेंगे जहाँ पे सिलेबस के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश के बारे में। मैंने जैसे आपको बताया कि जनरल इंग्लिश का एक कंपोनेंट हमेशा से आपको जेके एसएसबी के हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जनरल इंग्लिश के कंपोनेंट में होगा क्या, जनरल इंग्लिश के कंपोनेंट में आपके मैक्सिमम कौन सी चीज़ें होती हैं, जहाँ उसमें आपके टेंसेस हो गए, जहाँ आपके रीअरेंज जम्बल्ड वर्ड्स। इसके साथ मैं आपको बताऊँ एक नरेशन हो गया, मॉडल्स हो गया और आर्टिकल्स। ये तो आपको हर एक मतलब जितने भी हर एक एग्जाम जो होते हैं हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, नरेशन मॉडल्स और आर्टिकल्स और साथ में टेंसेस। ये आप चार टॉपिक जो है इसके देख लो, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे, सारे हर एग्जाम में होते हैं। उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप ये कैसे भी एग्जाम में देख रहे हो, होमोफोन्स हो गए, होमोनिम्स हो गए, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हो गए। तो ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है, एक्सपेक्टेड इन द सेंस मैं आपको बता दूं आप ये ऑफिशियली इस सिलेबस को डिक्लेयर नहीं किया गया है, जो कि जेके एसएसपी पंचायत सेक्रेटरी के लिए सिलेबस जो निकालेगी। इसमें मैं आपको बता दूं जी मैं उस सिलेबस को बता रहा हूं जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में जेके एसएसपी क्वेश्चन जो है आपको जो कंपोनेंट दे रही है, और लगातार यही इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। चेंजेस जहाँ पर हो सकती हैं, कुछ एक हो सकता है आपके जो है अगर बात करें कंपोनेंट को ऐड भी किया जा सकता है, कुछ को रिमूव भी किया जा सकता है, मगर मुझे लगता नहीं जहाँ पर कुछ रिमूव होगा, आपके टॉपिक्स जो है ऐड हो सकते हैं। जी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। इसमें किस तरीके से डिवीजन की जाती है, 20 मार्क्स की होती है या 15 मार्क्स की या 10 मार्क्स की, ये हम बाद में जब जेके एसएसबी इस क्राइटेरिया को निकालेगी तो फिर पता चलेगा। उसके बाद सेकंडली मैंने आपको बताया जनरल नॉलेज के ऊपर, देखिए जनरल नॉलेज में आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी एक कंपोनेंट दे रही है। इसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री आ जाती है, इसमें आपकी फर्स्ट इन वर्ल्ड आ जाता है, फर्स्ट इन इंडिया आ जाता है, इसमें कुछ आपकी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ आ जाती हैं न्यूज़पेपर के बारे में, फिर एक कुछ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आपकी UNO होगी, WHO, WTO, IMF, यूनेस्को वगैरह इस तरीके से। फिर आपकी हमारी रीजनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं जैसे आप हमारी ब्रिक्स आ गई, आसियान आ गई, आसियान सार्क आ गया, उसके बाद बिम्स्टिक आ गया, G20 और G7, इस तरीके से जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन दी जा सकती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं पंचायत का जो एग्जाम हुआ तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा।
मिला था उसमें। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आप सोच के जहाँ पे चलिए कि ये इस तरीके के टॉपिक जो है आपको JKSSB अगेन इस जो है सिलेबस में डालने वाली है। उसके साथ वर्ल्ड फेमस अवार्ड ये आपको सारी की सारी चीज़ें डालेगी, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया हर एक टॉपिक में आपको JKSSB के हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर ये आपका इंपॉर्टेंट और जो कॉमन टॉपिक रहता है दैट इज फिजिकल एंड पोलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, फिजिकल एंड पोलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, ये आपको वर्ल्ड और इंडिया दोनों के जहाँ पे सिलेबस में रखा जाएगा। फिर जहाँ पे देख सकते हैं लगातार कंटिन्यूसली ये जो है कंपोनेंट ऐड की जा रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, जितनी भी आपकी रिवर्स और लेक्स हैं उन सभी को जहाँ पे ऐड किया जा रहा है JKSSB की तरफ से। आप कुछ और कंपोनेंट की जहाँ पे बात करें तो जहाँ पे ये देख सकते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर भी आपको लगातार पूछा जा रहा है, ये आपके फॉरेन ट्रेड और बैलेंस पेमेंट हो सकता है आपके टॉपिक में ना हो, उसके साथ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आपके टॉपिक में हो सकता है, हो सकता है आपके जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक ये डाले जाएं बीच में, जैसे आपकी इन्फ्लेशन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, क्या रोल है RBI का, टैक्सेशन इन इंडिया क्या है, तो इस तरीके से आपको देखा जा सकता है। और इंडिया एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम ये भी आपका कंपोनेंट जो है ऐड किया जा सकता है, और थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस होगा, अगेन मैं आपको बता दूं सिलेबस आपका इतना सिंपल नहीं होगा, सिलेबस आपका लेंथी होगा, जिस तरीके से आपने देखा था अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस में आपका सिलेबस जो था काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, तो उसमें देख सकते हैं जहाँ पे इस तरीके के कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया GK के बारे में, तो कुछ GK के आपका कंपोनेंट कुछ इस तरीके से होगा जिसमें आपकी जनरल नॉलेज होगी, स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। इसमें आपको सबसे पहले जहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये आपके वही टॉपिक्स हैं जहाँ पे देख सकते हैं जो कि पंचायत में थे, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में थे, ये फिर से आपको पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही आपका कंपोनेंट है जहाँ पे सब कंपोनेंट्स ऐड किए जाएंगे। फिर आपका वेदर आ गया, क्लाइमेट, क्रॉप्स इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपका सारे के सारे JNK के हैं। उसके बाद JNK की हिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमी कल्चर के बारे में, फिर उसके फ्लोरा एंड फौना क्या है, फ्लोरा एंड फौना ऑफ JNK, फिर आपकी रिवर्स आ गए, रिवर्स एंड लेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये JKSSB के हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक ये आपका इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितने भी एग्जाम हुए JKSSB के हर एक एग्जाम में आपको जिस आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, और हर एक एग्जाम में आपको एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है JNK पंचायती राज एक्ट, JNK पंचायती राज एक्ट जो है 1989, ये आपको अब एक ये टॉपिक जो है बिल्कुल कॉमन सा हो गया, आपको हर एक सिलेबस में देखने को मिलेगा, हर एक पोस्ट के जितने भी JKSSB की तरफ से एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है सब में देखने को मिलेगा JNK पंचायती राज एक्ट 1989। उसके बाद अगर हम और कुछ सिलेबस की बात करें तो ये आपका रिसेंट का टॉपिक जो 2019 में ऐड किया गया, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये भी आपका कॉमन टॉपिक है, ये भी JKSSB जहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली पूछेगी, एक कंपोनेंट्स इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, तो इसी तरीके से आपको सिलेबस जो है JKSSB ऐड करने वाली है। फिर बात करेंगे जहाँ पे जनरल साइंस के बारे में, जनरल साइंस का जो कंपोनेंट होगा वो छोटा कंपोनेंट नहीं होगा, कुछ इस तरीके से कंपोनेंट होगा, देख सकते हैं मैं आपको बता दूं कुछ कॉमन टॉपिक जो आपको हर एक JKSSB एग्जाम में देखने को मिलेगी दैट इज विटामिंस, उसके साथ इकोसिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स की, ठीक है, ये आपके दो आ गए, फिर आपका आ गया न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, इस तरीके के टॉपिक तो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं ओजोन लेयर आपका आ गया, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इस तरीके से ये आपके सब टॉपिक्स आ गए, थोड़े थोड़े वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, रेसिस्टेंट पावर, DC बैटरीज, तो इस तरीके से JKSSB के द्वारा ये जो जनरल साइंस का पोर्शन जो है इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा। आप में से 3-4 टॉपिक जो है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो आपके स्टॉक असिस्टेंट को, वेटरनरी फार्मेसिस्ट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ, तो इस तरीके से जनरल साइंस का एक कंपोनेंट जो है JKSSB के द्वारा फ्रेम किया जाएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है जो आपके टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर किए जाएंगे। आप ये देख सकते हैं जहां पे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो आपकी रीजनिंग रहेगी, रीजनिंग तो आपकी कॉमन है, जैसे आपकी नंबर सीरीज आ रही है, लेटर सीरीज आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, डायरेक्शन सेंस आ रही है, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेट्समेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग। इसके साथ साथ मैं आपको रीजनिंग के साथ साथ बता दूं जहां पे आपका मैथमेटिक्स भी ऐड होगा, रीजनिंग के साथ साथ आपका मैथमेटिक्स भी ऐड होगा, अगर आपकी रीजनिंग 20 मार्क्स की होती है, जहां पे रीजनिंग जो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपके जहां पे 20 मार्क्स के होते हैं तो 10-10 मार्क्स में इसको डिवाइड किया जाएगा। हमेशा से मैं आपको बता दूं अगर सिंगल कंपोनेंट होगा तो सीधा 20 मार्क्स का होगा, इसको 10-10 जो है आपके टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया जाएगा, जिस तरीके से JKSSB फ्रेम करेगी, तो
मेंटल एबिलिटी टेस्ट और जैसे रीजनिंग आ गई और आपका मैथमेटिक्स आ गया, दोनों को कंबाइन करके JKSSB इसके 20 मार्क्स जो है इसके बढ़ाने वाली है। उसके साथ साथ कुछ और बात करें जो ये आपका कॉमन टॉपिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सिलेबस जो है जहाँ से आपको लेंथी देखने को मिलेगा, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये आपका जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर, इस तरीके से इसका पोर्शन ज़्यादा होगा। और जब आप लास्ट में चलते जाओगे, जैसे आप लास्ट में चलते जाओगे तो आपका पोर्शन बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। देखिए ये टॉपिक है कंप्यूटर एप्लीकेशन के, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका जहाँ तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एक जहाँ पे देखते हो कॉमन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी JKSSB एग्जाम है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑपरेशन जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया और MS Word, MS Excel, MS Access, MS उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इस तरीके से ईमेल और इंटरनेट, ये सारे टॉपिक आपके कॉमन है। JKSSB आपके एग्जाम के लिए इसको जरूर फ्रेम करेगी। देख सकते हैं सारे के सारे टॉपिक जहाँ पे मैंने जैसे आपको 5-6 कंपोनेंट बताए हैं, रीजनिंग के साथ आपका कंपोनेंट जो है मैथ का जोड़ा जाएगा। जैसे और कुछ मैं आपको जहाँ पे अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक टॉपिक जो है उसको हो सकता है इसमें थोड़ी सी चेंजेस की जाए, बाकी जो है आपके टॉपिक जहाँ पे चेंज नहीं होने वाले हैं, सारा का सारा सिलेबस जो है सेम रहने वाला है। आप जहाँ पे बता दो सिलेबस को बताने का मेरे पीछे पर्पस यही है, ये सिलेबस वही है JKSSB जो लगातार कंटिन्यूसली जो है एग्जाम कंडक्ट कर रही है, जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हैं इसी सिलेबस को डाला जा रहा है, लगातार कंटिन्यूसली यही सिलेबस है। इसमें हो सकता है आपके कुछ टॉपिक इसमें आपके निकाले जाएं, मगर मुझे लगता नहीं जहाँ पे आपका जो है जहाँ से 5 से लेकर 10% तक इससे ज़्यादा चेंजिंग नहीं होने वाली है, तो सिलेबस एक्सपेक्टेड है, मतलब आपका सिलेबस यही रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारा का सारा सिलेबस जो है रिसेंट के एग्जाम जो JKSSB कंडक्ट कर रही है, एक आपका जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था जहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे क्यों मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे अलग से आपका एक कंपोनेंट था, ठीक है, तो अकाउंटेंसी के ऊपर अलग से एक कंपोनेंट था, तो बाकी ग्रेजुएशन लेवल के सारे एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से जो है कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, सारा का सारा सिलेबस आपको यही इसी तरीके का देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना तो आप लगातार इस सिलेबस को कॉपी कर सकते हैं, यही सिलेबस रहेगा आपका, तो इसमें अगर कोई भी कुछ ऐड होता है जैसे कुछ टॉपिक्स रिमूव किए जाते हैं तो जस्ट JKSSB जैसे ऑफिशियल इसका सिलेबस निकालती है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। वैसे आप मान के चलिए यही आपका 99% यही सिलेबस आपका जो है JKSSB अपने पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली उसी में रहने वाला है। तो ये था आज का हमारा सिलेबस के रिलेटेड एक वीडियो, ताकि आप लोगों को बताया जा सके सिलेबस में कुछ ज़्यादातर चेंजेस नहीं होगी, माइनस ही चेंजेस होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।